मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को मतदान होना है। वहीं अशोकनगर में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। चुनावों से पूर्व ही चुनाव बहिष्कार के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। चुनावों के समय वोट मांगने के लिए जब नेता जाते हैं तो वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, मगर उन वादों को अमल में लाने में समय लगा देते हैं, जिससे आने वाले चुनाव में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मुंगावली विधानसभा के अंतर्गत खुजराई पंचायत का है, जहां लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है। यहां के ग्रामीण ने एक ही नारा दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल खुजराई पंचायत में 3 किलोमीटर की रोड खराब है, जिससे गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह रोड नहीं होने से ग्रामीणों को अशोकनगर आने के लिए 53 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर यह रोड बन जाएगी तो ग्राम वासियों को आने जाने में सुविधा होगी। इस रोड के ना होने से ग्रामीणों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय में तो निकलना ही मुश्किल होता है। इसी बात से नाराज ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं। चुनाव के समय तो नेता बड़े बड़े वादे कर देते हैं, मगर चुनाव होने के बाद किए गए वादों का धरातल पर कोई भी काम नजर नहीं आता। ये मेन समस्या है कि जी हमारे 5-6 गांव हैं, खुजराई से रतवास, खुजराई से मारोन, मारोन से रतवास और मारोन से कोंदियाई, कोंदियाई से मढ़ी, बिजलीपुर, मलावनी। इन गांवों में आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है कोई विकास नहीं हुआ, और विकास रोड के नाम पे तो कोई मिट्टी भी नहीं है। तो लोग वागों को इतनी परेशानी है कि पैदल भी चलना मुश्किल है, पान तो चलते नहीं है 3 महीना बरसात में। ये हालत इस चक्कर में सब युवा वर्ग के साथ हैं हम, और हम जो 5-6 गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो यही है हमारे के, हमारे ग्राम मारोन से लेके और रतवास तक कोई सड़क नहीं है। जब कोई बीमार हो जाता है तो 4-5 को लाद के ले जाते हैं, और मारोन से कोंदियाई और मारोन से खुजराई, तो जब जो है पानी बरसता है तो खुजराई, खुजराई से सलावन, सलावन से केतोपुर, केतोपुर से बर्रा संगाड़ा होकर हम कहाँ जाते हैं अशोकनगर, तो हमको कम से कम 40 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। तो हम इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि जो भी कोई हमारी जो है सड़क डलवाए और न डलवाए जो है, मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो वोट डालना ही नहीं है। खुजराई पंचायत के अंदर 3 से 4 गांव आते हैं और इन गांव में करीब 2 से 2500 की वोटिंग है। ग्रामवासियों का कहना है कि चुनावों के समय तो नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, मगर चुनाव होने के बाद पलट कर इधर कभी नहीं आते। लंबे समय से सभी ग्रामवासी इस रोड की मांग कर रहे हैं, मगर फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती। इसलिए इस बार सभी ग्रामवासियों ने मिलकर निर्णय लिया है, उपचुनावों में चुनावों का बहिष्कार करेंगे और मतदान नहीं करेंगे। ग्रामवासियों की माने तो उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे ले जाने के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, चारपाई रख कर ले जाना पड़ता है। सांसद, विधायक, मंत्री सभी से इस सड़क के लिए मांग कर ली, मगर कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई। आश्वासन सभी देते हैं, मगर काम कोई नहीं करता। इस बात से नाराज ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, जो कि इस बार भी उपचुनावों में इसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि ग्रामीणों की मांग जायज है और मैं उनको आश्वासन भी देकर आया था, मगर हमारी सुनवाई कांग्रेस सरकार में नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उस सरकार को छोड़ा है। मांगना जायज है और मांग जायज है, सही बात है, क्योंकि मैं खुद गया हूँ, खुजराई गांव गया हूँ मैं, मारोन गया हूँ, उनकी जो मांग है और मैं उनको आश्वासन भी देकर आया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी कारण जो विशेष मांगें थी ग्रामीण लोगों की, सड़क की हो, बिजली की, पानी की हो, जब 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में रहा और जब 15 महीने में एक भी सड़क में नहीं ला पाया, तो इसी कारण हमने उस सरकार को छोड़ा था। चुनावों में अभी काफी समय है, लेकिन अब देखना यह होगा कि चुनावों की तारीखों से पहले नेता किस तरह से इन ग्रामवासियों को संतुष्ट कर वोट डलवाने के लिए तैयार कर पाते हैं।